अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। और आज मैं बनाने जा रही हूँ झींगा दो प्याज़ा। झींगे के साथ ये प्याज है और आधा किलो मैंने ये प्याज लेके इसको काट ली है। और ये हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, टमाटर है और ये झींगे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं झींगा दो प्याज़ा बहुत मज़े का बनता है ये। और मैं बनाती हूँ, आप देखिए, अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। तो चले पकाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है, अब हम चूल्हे को ऑन करते हैं। हमारा ऑयल गर्म होगा, फिर हम इसमें प्याज डालेंगे। ये मसाले देख सकते हैं आप जो मैं इसमें यूज़ करूँगी, और जब डालते जाऊँगी तो इसकी क्वान्टिटी आपको बताऊँगी। हमारा ऑयल गरम हो गया, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम ये कुछ पांच मसाले हैं, पांच फोड़न जिसे कहते हैं, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। ये जब तक गरम होता है फिर हम प्याज डालेंगे। इसके साथ ही अब हम प्याज डालते हैं। प्याज को ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ा पकाएंगे प्याज को ताकि इसका नरम हो जाए। ये झींगा दो प्याज़ा जो है ये बहुत मज़े का लगता है। और ये झींगे जो है हर तरीके से इसका सालन बनाया जाता है और हर लिहाज से टेस्टी होता है। लेकिन मैं जो बना रही हूँ ये शायद आपने खाया होगा और नहीं भी खाया होगा, तो मैं अपने अंदाज से बना रही हूँ। तो अगर आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अब हम इसमें अपने झींगे डाल देंगे। प्याज को हम इतने ही ब्राउन करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। और इसके साथ ही हम टमाटर भी डाल देंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और अब मसाले डालेंगे। इसमें और कोई सब्ज़ी ऐड नहीं होगी, हम प्याज के साथ झींगे पकाएंगे सिर्फ। अब इसमें मसाले ऐड करते हैं, ये लाल मिर्च, जीरा पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर डाला, आधा चम्मच हमने चाय का हल्दी डाला और दो चम्मच मैंने लाल मिर्च डाली। ये कुटी हुई मिर्च जैसे मुझे डाल दूँ क्योंकि मैं मिर्च ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। नमक और मिर्च जो है आप अपने हिसाब से डालिएगा, जितना आप इस्तेमाल करते हैं। मैं अपने अंदाज से डाल दी हूँ। अब इसे हम चलाएँगे और ढक्कन ढक के इसे स्लो आँच पे हम पकाएंगे। प्याज हमारी गल जाएगी फिर हम इसे भूनेंगे। ये देखें हमारा सालन, कंडीशन देखिए इसकी। अब हम इसमें हरी धनिया और हरी मिर्च डालकर थोड़ा सा भूनेंगे। हमारा सालन रेडी हो गया है। ये देखें हमारा झींगा दो प्याज़ा रेडी हो चुका है। देखने में कितना मज़ेदार और स्पाइसी लग रहा, खाने में भी वैसे ही मज़ेदार और टेस्टी होगा। आप बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, और नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।